मैकेनिकल स्वीपर होता है ना उसके ब्रश अच्छा इसके तो मैंने आज के अपने इसमें वक्तव्य में बोला कि जो आज इस अर्थ रे की जो थीम है वो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री करने का है, और सिंगल यूज प्लास्टिक के इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि लोगों को बिहेवियर में चेंज लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो उसका एक तरीका है कि मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम, हर लोगों की भागीदारी, हर तबके के लोग इसमें भागीदारी करें। तो हमारी कोशिश रहेगी कि
पूरी जन भागीदारी आए अवेयरनेस के थ्रू। बहुत तरह के आज कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, तो केवल ये आज का नहीं, आज महज एक शुरुआत है। आगे अभी लगातार ये चीज़ें चलेंगी। जब से हमारा पूरा डेली सिंगल यूज प्लास्टिक, अभी हम लोग SDMC पे कार्य कर रहे हैं, तो SDM जैसे प्लास्टिक फ्री होता तक हमारा कार्यक्रम इंटेंसिव तरीके से चलता रहेगा। अभी फर्स्ट फेज में अवेयरनेस करेंगे, सेकेंड फेज में फिर हम लोग पिनल एक्शन पे भी जाएंगे, सीजर एंड जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस पर भी हम लोग करेंगे। पाँच पॉइंट आपने निर्धारित किए, कौन कौन सी जगह हैं जो पाँच पॉइंट से आपने? पांच मार्केट्स हैं बेसिकली, जनकपुरी मार्केट है, टैगोर गार्डन मार्केट है, सुभाष नगर मार्केट है, राजौरी गार्डन मार्केट है, टैगोर गार्डन मार्केट है। पांच मार्केट अभी इनिशियली हमने किया है फर्स्ट फेज़ के लिए। सेकेंड फेज़ में फिर हम लोग इसको सारी मंडीज़ में और जो भी मार्केट्स बच गए हैं उनमें, मॉल्स में ऑलरेडी हमारे काफ़ी मॉल्स में अवेयरनेस है, इस बात की हमें खुशी है, तो मॉल्स में ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनके एक डायरेक्शन पे काम हो रहा था। तो हम लोग हर जगह कॉलोनीज़ में भी जाएंगे, RWAs में भी जाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। विकल्प की जो बात कही थी, वो विकल्प क्या है उसके बारे में? विकल्प जैसा कि मैंने कहा कि एक विकल्प एक ऑल्टरनेटिव देता है जनता को, कि अगर आप खरीदने जाते हैं कोई सामान, तो आप जब उस कपड़े का बैग, मान लीजिए आपने 5 रुपये का सामान खरीदा और 20 रुपये कपड़े का बैग है, तो बहुत बार जनता में होता है कि भाई क्यों लेगा, 5 रुपये के सामान के लिए 20 रुपये का सामान क्यों लेगा, तो वो हम उसको विकल्प देते हैं कि तुम ले लो आज, लेकिन तुम कल जब भी आओगे किसी विकल्प के स्टोर पे जाके तुम इसको वापस करके 20 रुपये अपना तुम ले सकते हो। तो एक जनता को एक मन में एक जो है एक फ्रीडम होता है कि हाँ ठीक है, जब चाहे हम इसको ले सकते हैं, जब चाहे तो हम इसको वापस कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो एक तरह से बिहेवियर चेंज में ये विकल्प जो है बहुत ही कारगर होगा। लास्ट संदेश क्या देने जाएंगे लोगों के लिए जो जागरूक? देखिए इसमें तो आज अर्थ डे पे पहले तो सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी लोगों को। मैं चाहूँ कि आज के इस अर्थ डे को एक मुहिम के तौर पे लें और सारी अपनी भागीदारी दें, क्योंकि बिना जन भागीदारी के कुछ भी कोई मूवमेंट कोई भी इनिशिएटिव सफल नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा जनता को कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो इसके दुष्प्रभाव हैं उसको समझें और अपने घरों से अपने आस पड़ोस से उसको हमेशा के लिए निकाल फेंकें। हम लोग SDMC एलॉन्ग विथ जितने भी एजेंसीज़ हैं, आज DM ऑफिस भी हैं, ये हमारे NEVLM के हैं, तो सारी ऑफिस एक सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम सब लोग उसको मिलके इसको उखाड़ फेंकेंगे। बस यही मैं संदेश दूंगा कि अपना पार्टिसिपेशन दें, अपनी भागीदारी दें इस मुहिम में। मैं आनंदिता भट्टाचार्य, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की तरफ से सिटी मिशन मैनेजर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आई हूँ, और हमारे साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आए हैं, अभिलाषा सेल्फ ग्रुप, अलंकार सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ये कपड़े की बैग्स और पेपर लिफाफे, ये सारे जो चीज़ें अभी आर्थ डे पे प्रोग्राम हो रहा है तो ये सारी चीज़ें ये लोग सिल के देते हैं। तो हमारा मार्केट एसोसिएशन इन सबसे ये आवेदन रहेगा कि जो जिस तरह की आर्थ डे की प्रोग्राम्स हो रहे हैं और जहाँ पे भी आप लोग ये प्रोग्राम हो रहा है, आप सब लोग कपड़े की थैले, पेपर लिफाफे, बैग्स, ये सब के लिए हम लोगों से संपर्क करें। मैं आदित्य संगोत्रा हूँ, मैं SDM प्रोबेशनर दिल्ली वेस्ट DM ऑफिस से आया हूँ यहाँ पे। हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में अर्थ डे को मनाने के लिए दोनों ही डिपार्टमेंट साथ आए हैं, बिकॉज इट वॉज थॉट बाई द ऑनरेबल DM एंड DC साहब कि ये बिना आपस के कोऑर्डिनेशन के काम नहीं हो पाएगा। सो वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स NGOs जो अल्टरनेट प्रोवाइड करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, जैसे कि DC सर ने बड़ी एलेबोरेट वे में बताया विकल्प क्या ऑप्शन है। तो वी ऑल्सो हैव टू क्रिएट द सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑल्सो। तो सप्लाई साइड के लिए DM ऑफिस काम कर रहा है, लोगों को स्किल कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, जो गरीब महिलाएँ हैं, वो ये सब मैन्युफैक्चर करेंगी और यहाँ की जो मार्केट है वहाँ पे वो प्रोडक्ट बेचे जाएंगे या प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस स्टेप को इसके पेनल्टीमेट स्टेज पे ले जाएं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को फेज़ आउट करते हैं।